दिसंबर को जी। तो कल ही की बात है शायद जी तो एसडीएमसी ने एफिडेविट जो फाइल किया है उससे पता लग रहा है कि जो 4000 के करीब डोजियर्स भेजे थे एमसीडी को और प्राइमरी टीचर्स के लिए उसमें से कोई 1380 केसेस अभी पेंडिंग है और स्वाभाविक है कि उनको कॉरपोरेशन लिख रही होगी और वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसमें मैक्सिमम जो है वेकेंट रह जाएंगी सीटें। तो जो हाईकोर्ट का जजमेंट भी है और जो आपका पैनल जो इन्होंने बनाया वेटिंग पैनल जो बनाया है तो फिर नेचुरली उसमें से इनको रिक्रूट करना है। वो जो वैकेंसी जितनी भी होंगी हम तो चाहते हैं कि वो सारे आ जाएं हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो आएंगे और बहुत सारी सीटें जो हैं स्वाभाविक है कि खाली होंगी। और जो पैनल इन्होंने बनाया है उस पैनल से इसमें इनको रिक्रूट करना है। तो देरी ना हो क्योंकि पैनल की डेट जो है 27 मार्च है 2020। तो हम अभी ये डिसाइड किया है कि हम तीनों म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को लेटर लिखेंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो पेंडिंग केसेस है ना इसको फाइनल कर दो 31 दिसंबर 2019 तक है? और उसके बाद जो 31 दिसंबर तक नहीं ज्वाइन करता है और उसके बाद जो है ये जो वेटिंग लिस्ट की जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो है सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो भी है वो ये रिक्रूट किया जाए। तो जिससे कि सारे जितनी भी वैकेंसीज हैं 4000 वो फिल हो जाए और हमारे बच्चों को जो है टीचर्स मिल जाए, क्योंकि सारी लड़ाई तो बच्चों की चल रही है ना कि उनको टीचर्स नहीं मिल रहे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी चिट्ठी के ऊपर जो है कोई रिएक्शन आएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी वैकेंसी हो उसमें आप लोग जो है रिक्रूटमेंट आपको मिले।